हेलो एवरीवन, बेटा हमने कल नई यूनिट स्टार्ट करी थी, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा था, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। बेसिकली हमने कल इसमें थोड़ी बहुत बेसिक डिस्कशन कर लिया था और उसके आगे का डिस्कशन हम आज करेंगे। कल मैंने आपको क्या क्या बता दिया था फर्स्ट यूनिट में से। सबसे मैंने कल आपको द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मीनिंग क्या होता है मैंने वो आपको समझाया था। व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स, गुड्स किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ गुड्स किसे कहते हैं, अदर डेफिनेशन में सेलर किसे कहते हैं, बायर किसे कहते हैं, यहाँ तक कि बेसिकली छोटा मोटा डिस्कशन हो गया था। आज इसके आगे का जितना भी डिस्कशन हम करेंगे, जैसे कि सेल्स वर्सेस एग्रीमेंट ऑफ सेल आज हम कंप्लीट करेंगे, फॉर्मेलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जो भी दो तीन टॉपिक आज हम इसके आगे कर सकते हैं वो आज हम आज के लेक्चर में कम्प्लीट करेंगे। कल हमने क्या क्या करा था, अगर जल्दी से दो तीन बातें रिवाइज कराऊँ, क्विक रिवीजन। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बनता है, तो बातें ध्यान से सिंपल। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करना है तो क्या असेंशियल एलिमेंट्स हैं उसके, बेटा दो पार्टी होनी चाहिए, एक बायर एक सेलर, दोनों आपस में क्या करेंगे, कोई गुड्स सेल करेगा, एक गुड्स सेल करेगा, दूसरा उसके बदले क्या देगा, प्राइस देगा। तो ये सारी बातें लिखी हुई थी, गुड्स का होना बहुत ज़रूरी है। देखो एटलीस्ट टू पार्टीज होनी चाहिए, गुड्स होनी चाहिए, आपको जो कंसिड्रेशन मिलेगा वो मनी ही मिलेगी। बार्टर सिस्टम की ट्रांजैक्शन इस एक्ट में इन्वॉल्व नहीं है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होगी, कोई भी चीज़ आप क्यों खरीदते हो, जिससे कि आप उसके क्या बन सको, ओनर बन सको। और अदर एलिमेंट्स होना तो कंपलसरी है ही, और जो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एब्सोल्यूट या कंडीशनल भी हो सकता है, मतलब कोई कंडीशन डिपेंडेंट भी हो सकती है और कोई कंडीशन डिपेंडेंट नहीं भी हो सकती। ये भी मैंने आपको समझा दिया था। व्हाट आर गुड्स, गुड्स किसे कहते हैं, कुछ ऑब्वियस वन है, न्यूज़पेपर बुक मोबाइल फ़ोन, जो हर एक को ही पता है। कुछ चीज़ ऑब्वियस नहीं है, जैसे कि इंटेंजिबल एसेट्स, कॉपीराइट, गुडविल, शेयर्स। और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, जो चीज़ अटैचेबल टू ग्राउंड है बट डिटैचेबल है, जैसे कि ग्रास, ट्री और मिनरल्स, क्या ये गुड्स है? ऑफकोर्स ये भी क्या है, गुड्स, क्योंकि वो मूवेबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो चीज़ गुड्स नहीं है उस पर भी हमने डिस्कशन करा था कि गुड्स में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता। इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं होती, फॉरेन करेंसी इंक्लूड नहीं होती, लेकिन क्या ओल्ड करेंसी इंक्लूड होती है? हाँ, ओल्ड करेंसी इंक्लूड होती है, क्योंकि उसकी वैल्यू होती है। जो 1 पैसा कॉइन हो गया, 5 पैसा, 10 पैसा कॉइन्स, वो काफ़ी अच्छे रेट पे मार्केट में क्या कह सकते हैं आप, सोल्ड आउट कर सकते हो। एक्शनेबल क्लेम्स क्या गुड्स हैं? नहीं। एक्शनेबल क्लेम्स का मीनिंग बताया था, जैसे कि अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है वो आप जीत भी सकते हो और हार भी सकते हो। बायर सेलर का मीनिंग बताया था, बायर किसे कहते हैं, ऐसा पर्सन जो गुड्स को खरीदेगा या एग्री टू बाय, या तो खरीद ही रहा है या एग्री कर रहा है कि मैं फ्यूचर में खरीद लूँगा। सेलर जो बेच रहा है या एग्री कर रहा है मैं फ्यूचर में सेल करूँगा। टाइप्स ऑफ गुड्स भी हो गया था, एग्जिस्टिंग किसे कहते हैं, फ्यूचर किसे कहते हैं और कंटिंजेंट किसे कहते हैं, ये सारा डिस्कशन हमने कल कर लिया था। आई होप ये सारी बातें आती थी, ये तो खाली बताया कि क्या क्या किया। अब दो तीन इंटरेस्टिंग टॉपिक, ये वाला तो बहुत अच्छा है प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी। ये तीनों वर्ड्स ऐसे लगते हैं सेम जैसे, लेकिन इनमें फ़र्क है। ये क्या कंसेप्ट है, एक होता है हाइपोथिकेशन, एक वर्ड होता है प्लेज, एक वर्ड होता है मोर्टगेज। क्या फ़र्क है तीनों में, मैं आपको ज़रा ध्यान से समझाता हूँ। बेटा आप जब कितनी बार बैंक से जब लोन लेते हो ना, तो आपके पास जो गुड्स हैं वो गुड्स को या तो हाइपोथिकेट करते हो या प्लेज करते हो या मोर्टगेज, क्या फ़र्क है, एक एक करके पहले समझ लेते हैं डायरेक्ट। जैसे सिंपल मोर्टगेज वर्ड कब यूज़ होता है, मोर्टगेज वर्ड कब यूज़ होता है, ध्यान से सुनना बेटा। जब आप बैंक से जनरली लोन लेने जाते हो और उस लोन के बदले, फॉर एग्जांपल आपने 50 लाख रुपए का लोन लिया और उसके बदले में जो आपने कोलेट्रल दिया, कि भाई बैंक ऐसे तो लोन नहीं देगा, उसके बदले कुछ ना कुछ मांगेगा, आपने उसके बदले कोलेट्रल में क्या दे दिया, अपनी प्रॉपर्टी, कि उस प्रॉपर्टी पे एक चार्ज क्रिएट हो गया कि भाई ये प्रॉपर्टी मैं बैंक को दे रहा हूँ एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी, किसके बदले, जिससे मुझे क्या मिल सके, लोन मिल सके 50 लाख का। जब आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को, जब आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को कोलेट्रल की फॉर्म में दे देते हो बैंक को, तो हम क्या कहते हैं कि आपने अपनी प्रॉपर्टी को किस फॉर्म में दे दिया है, मोर्टगेज की फॉर्म में दे दिया है आपने अपनी प्रॉपर्टी का, क्या करा, मोर्टगेज। मोर्टगेज वर्ड किस प्रॉपर्टी के लिए यूज़ होगा, मोर्टगेज वर्ड यूज़ होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। जब जो चार्ज क्रिएट हुआ वो किस पे क्रिएट हुआ, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे क्रिएट हुआ, कि आपने अपनी बिल्डिंग किस पे दे दी, बैंक को दे दी एज ए कोलेट्रल, तो हम उसे टेक्निकल वर्ड उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, कि आपने क्या करा है, अपनी प्रॉपर्टी को मोर्टगेज कर दिया।
मोर्टगेज होते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, बात समझ में आ गई। अच्छा तो जो मूवेबल प्रॉपर्टी है भैया उस पर भी चार्ज क्रिएट होता है क्या, वो भी हम बैंक में ऐसे कितनी बार कोलैटरल दे सकते हैं? हाँ तो मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए क्या होता है, ध्यान से सुनना, मूवेबल प्रॉपर्टी पे या तो प्लेज होता है या हाइपोथिकेशन, ध्यान से समझते रहना। पहले प्लेज वर्ड कब होता है, प्लेज वर्ड होता है यहाँ पे क्लियरली लिखा है पोजेशन इज विद द प्लेजी, जब पोजेशन किसके पास है, प्लेजी के पास है, अभी समझाऊंगा विद एन एग्जांपल। और हाइपोथिकेशन में क्या लिखा, पोजेशन इज विद द हाइपोथिकेटर, एग्जांपल बरो, ध्यान से सुनते रहो बेटा। पहले हाइपोथिकेशन समझा देते हैं, आपने कितनी बार ये सुना है कि हम बाइक पे लोन लेते हैं, हम कार पे लोन लेते हैं, बाइक या कार, कार का एग्जांपल ले लो बेटा। जब कार पे लोन लेंगे तो जिसने लोन लिया वो तो बोरोअर है कि मैंने लोन लिया है, मैंने लोन बोरो किया है, और बैंक क्या है, लेंडर है, बैंक ने पैसे दिए हैं। हाइपोथिकेशन में जो कार का पोजेशन है, हाइपोथिकेशन में जो कार का पोजेशन है, क्या कार उसी के पास होगी जिसने लोन लिया? अगर मैंने लोन लिया बैंक से, बेशक उस कार के ऊपर लोन चल रहा है, लेकिन क्या कार तब भी मेरे पास रहेगी? हाँ कार भैया आपके पास रहेगी। जब कार मेरे पास रहेगी, बाइक कार इस शौक पे जो हम लोन लेते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि आपने अपनी कार का क्या कर रखा है, हाइपोथिकेशन कर रखा है। आपके कार पे जो चार्ज क्रिएट हो रखा है, एक आपके कार पे ऑब्लिगेशन है, लेकिन उसे टेक्निकल वर्ड क्या कहते हैं बैंक के टर्म्स में या इस चैप्टर में, हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन बस ये याद रखना है कि पोजेशन मेरे पे है, मैंने लोन भी ले रखा है तब भी पोजेशन मेरे पे है, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है, हाइपोथिकेशन। और भैया प्लेज में क्या फ़र्क होता है, प्लेज में बस इतना फ़र्क होता है, आप ये समझ लो, लोन चेंज कर लो। जब आप गोल्ड पे लोन लेते हो, कार पे लोन लिया तो कार भी मेरे पे, लोन मैं यूज़ कर ही रहा हूँ, गोल्ड पे जब लोन लूँगा बैंक मुझे लोन तो दे देगा, लेकिन मुझे गोल्ड का पोजेशन किसको देना पड़ेगा, मुझे गोल्ड का पोजेशन बैंक को देना पड़ेगा, मुझे गोल्ड का पोजेशन किससे देना पड़ेगा, बैंक को देना पड़ेगा। जो मुझे लोन दे रहा है, मुझे गोल्ड का पोजेशन उस बैंक को देना पड़ेगा। पोजेशन इज़ विद द प्लेजी, बैंक के पास पोजेशन चला जाएगा, मैं गोल्ड बैंक को दे दूंगा और उसके बदले क्या ले लूँगा, लोन। तो जब आप कोई चीज़ प्लेज पे रख के कि भाई मैंने किसी को गोल्ड दे दिया और उससे लोन ले लिया, तो मैं क्या कहूँगा कि मैंने क्या करा है, प्लेज किया है, मैंने अपने गोल्ड को प्लेज किया, या किसी को शेयर्स दे के लोन ले लेना, मैंने अपने शेयर्स क्या करे हैं, प्लेज। तो बेटा ये तीनों वर्ड्स लगते सिमिलर हैं, लेकिन तीनों में फ़र्क है, वो समझने की आपको ज़रूरत है। एक वर्ड है, मैं तीनों को दोबारा रिवाइज कराऊँ, मोर्टगेज, एक है हाइपोथिकेशन, एक है प्लेज। पहले तो बस कैसे याद रखो कि जो मोर्टगेज है वो किससे रिलेटेड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से। जब आप लोन ले रहे हो, चार्ज किस पे क्रिएट हो रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। बस इतना याद रखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जब हम चार्ज क्रिएट कर देते हैं, जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी का राइट बैंक को दे देते हैं कि अच्छा जी हमने इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन ले लिया, तो उस पर चार्ज क्रिएट करने का मतलब पता क्या होता है, अब मैं बैंक से बिना पूछे उस प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट नहीं कर सकता, अब बैंक से परमिशन लेनी पड़ेगी प्रॉपर्टी सोल्ड आउट करने के लिए, क्योंकि मैंने उस प्रॉपर्टी पे क्या ले रखा है, लोन ले रखा है। और प्लेज और हाइपोथिकेशन किस चीज़ में यूज़ होते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी में यूज़ होते हैं बेटा। मूवेबल प्रॉपर्टी का मैंने आपको एग्जांपल बताया, जैसे कि एक प्लेज है, एक हाइपोथिकेशन है, दोनों में बस लोन के एग्जांपल याद रखो। कार लोन लूँगा तो हाइपोथिकेशन होगा, जिसमें पोजेशन मेरे पास है, जिस बंदे ने लोन लिया उसी पे पोजेशन है। कार लोन मैंने लिया, कार मेरे पे ही रहेगी। लेकिन अगर मैं प्लेज बात करूं तो प्लेज में क्या होगा, जो प्रॉपर्टी का पोजेशन है, मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन, वो सामने बैंक के पास चले जाएगा, जैसे कि गोल्ड लोन पे होता है या शेयर के अगेंस्ट आप एडवांस ले रहे हो, ठीक है। हाइपोथिकेशन और मोर्टगेज में क्या डिफरेंस है, मेरे से पूछा जा रहा है, तो बेटा क्लियर है, हाइपोथिकेशन किस पे है, मूवेबल प्रॉपर्टी पे है बेटा। जैसे कार मूव हो सकती है, बाइक मूव हो सकती है, और मोर्टगेज किस पे है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो तो बेटा चार्ट से ही आपको क्लैरिफाई हो जाना चाहिए। पहले कहता रहा हूँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे मोर्टगेज और मूवेबल प्रॉपर्टी पे प्लेज और हाइपोथिकेशन, शायद आपको बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट कहीं चैप्टर में आगे यूज़ हो सकता है, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए हाइपोथिकेशन वर्सेज प्लेज वर्सेज मोर्टगेज, ठीक है। अगला
अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं, ये कंसेप्ट कंप्लीट, प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स। प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स का मीनिंग क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, तो हम कहते हैं कि इसमें हम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं। क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हो, दो तरह की प्रॉपर्टी होती है सुनना, एक जनरल प्रॉपर्टी होती है और एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है गुड्स में। भैया मतलब जनरल प्रॉपर्टी का मतलब होता है जब आप गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहे हो, जब आप गुड्स की क्या ट्रांसफ़र कर रहे हो, ओनरशिप, कि आप किसी शॉपकीपर पे गए, आपने उससे गुड्स खरीदा और मैं कह रहा हूँ कि उसने आपको जनरल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी। जनरल प्रॉपर्टी का मतलब उसने आपको क्या ट्रांसफ़र करा, ओनरशिप। आप कोई भी गुड्स क्यों खरीदते हो जिससे कि आप उसके ओनर बनो। और भैया स्पेशल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, कितनी बार आप जब गुड्स ट्रांसफ़र करते हो तो उसमें जनरल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होती, उसमें खाली स्पेशल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होते हैं, मतलब जिसमें खाली पोजेशन ट्रांसफ़र होता है। जैसे अभी एग्जांपल समझाया था प्लेज, जब मैं गोल्ड पे लोन ले रहा हूँ, मैंने गोल्ड बैंक को दिया, गोल्ड मैंने किसे दिया, बैंक को दिया, और बैंक से मैंने लोन लिया, क्या मैंने गोल्ड की ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी क्या बैंक को, नहीं। मैंने गोल्ड के उस केस में खाली क्या ट्रांसफ़र कर रहा है, पोजेशन। उस केस में मैंने गोल्ड का खाली क्या ट्रांसफ़र कर रहा है, पोजेशन। प्लेज के केस में क्या ट्रांसफ़र होता है, खाली स्पेशल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है। इस पूरे चैप्टर में याद रखना, प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स दो तरह की होती है, एक जनरल एक स्पेशल। जनरल में जब हम क्या राइट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ओनरशिप, और स्पेशल में हम खाली क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पोजेशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, जनरली जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते होंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के, आप गुड्स क्यों खरीदते हो, जनरल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए या स्पेशल प्रॉपर्टी को। जनरली कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती होगी, जब भी आप कोई गुड्स खरीदते हो आप खुद बताओ, जनरली कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती होगी, जनरल प्रॉपर्टी या स्पेशल प्रॉपर्टी, जब भी कोई गुड्स परचेज और सेल किया जा रहा है। तो मेरे पे शोभित वासु, सौम्या, साक्षी वासु, सबका आंसर आया कि कौन से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती होगी, भैया जनरल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती होगी। बिल्कुल बिल्कुल, सब ने बिल्कुल सही आंसर दिया कि कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी, जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स। मीन्स प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब क्या है, जनरल प्रॉपर्टी एंड नॉट मेयरली स्पेशल प्रॉपर्टी, वो हमेशा जनरल होगी ना कि स्पेशल। ठीक है बेटा, मैं अभी समझा रहा हूँ लेकिन आप इसके हैंड रिटन नोट जरूर बनाओगे, जो भी ये रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा है उसको बनाने के लिए, या तो आप मेरे से डायरेक्ट पीडीएफ फाइल ले लो, या आप वीडियो को कभी भी पॉज करके उसके नोट्स लिख लो। ठीक है, लेकिन हैंड रिटन नोट्स बनाना मस्ट है। सबसे अच्छा तरीका ये है किसी भी चीज़ को समझने का, कि समझने के बाद उसे लिख लो, 50% 60% चीज़ें तो तभी याद हो जाएंगी। तो अभी दो कंसेप्ट करें, प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स, प्रॉपर्टी के अलावा मैंने क्या बताया, हाइपोथिकेशन, प्लेज एंड मोड। एक और कंसेप्ट करते हैं, फिर एक दो मिनट का गैप देंगे। फॉर्मेलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मैं बहुत ईजी है ये तो ऐसे ही बता दूंगे आप। मेथड ऑफ सेल, एग्जांपल दूंगा, सिंपल सुनते रहना। मेथड ऑफ सेल का मतलब क्या है, प्रैक्टिकली जब आप किसी जनरल स्टोर के पास कितनों, जिससे आप परचून खरीदते हो ना अपना, मतलब ये बिस्कुट, नमकीन, ये सारी चीज़ें, ब्रेड वगैरह, तो कैसे कैसे मेथड से वो अपने कस्टमर को गुड्स सेल करते हैं, जरा आप सही बताना मैं सही कह रहा हूँ या गलत, कि यही मेथड होते हैं। एक मेथड तो ये है, आप शॉपकीपर के पास गए, आपने उसे कैश में पैसे दिए और उसके बदले उसने गुड्स उसी समय आपको ट्रांसफ़र कर दिया, इमीडिएट दोनों काम हो गए, इमीडिएट पैसे भी चले गए, इमीडिएट क्या भी आ गए, इमीडिएट गुड्स भी मिल गए। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जनरली शॉपकीपर्स के पास आप जाते हो, कैश देते हो और उसके बदले आप उससे ब्रेड, बिस्कुट, नमकीन, जो भी लेना वो ले आते हो, जहाँ पे इमीडिएट डिलीवरी हो रही है गुड्स की भी और इमीडिएट पेमेंट हो रही है, एक ये मेथड हो सकता है। हाँ भैया, एक दूसरा मेथड क्या हो सकता है, भई हम उससे गुड्स तो ले आए, हम उससे क्या तो ले आए, गुड्स तो ट्रांसफ़र करा लिया, डिलीवरी तो इमीडिएट होगी, लेकिन पेमेंट हम क्या कहेंगे, भाई खाते में लिख लियो, मेरा खाता चल रहा है ना। जनरली चल रहा होता है कितने शॉपकीपर्स के पास आपका, कि डेली बेसिस पे बिस्कुट, नमकीन वगैरह आते रहते हैं, तो डिलीवरी तो होगी गुड्स की उसी समय, लेकिन आप क्या कहते हो कि भाई मैं पेमेंट तुझे बाद में करूँगा, कैश की डिलीवरी बाद में होगी, गुड्स की डिलीवरी तभी होगी। ऐसा हो सकता है, हाँ भैया ऐसा हो सकता है। और क्या हो सकता है, और तीसरा ऑप्शन देखो, आपने बहुत सारे गुड्स लिए, बिस्कुट, नमकीन, चॉकलेट और चिप्स सब ले लिया, काफ़ी का बिल बना होगा, आपने कहा यार तू ऐसा कर, गुड्स की डिलीवरी तो अभी दे ही दे, जो भी दे रहा है मुझे,
तो ऐसा कर ये रैंडम बेसिस पे 500 रुपये पकड़ ले या 1,000 रुपये ले ले, बाद में हम क्या कर लेंगे अकाउंट्स को सेटल कर लेंगे, क्या ऐसा भी पॉसिबल है या नहीं है, क्या ये सारी चीज़ें पॉसिबल है या नहीं है जो मैंने आपको बताई, ये सारी चीज़ें कि भाई अलग अलग ऑप्शंस बन सकते हैं, कितने केसेस ऐसे हैं जहाँ पे गुड्स की डिलीवरी और गुड्स की पेमेंट उसी समय हो। कहीं पे ऐसा होता है कि गुड्स की डिलीवरी और पेमेंट दोनों ही बाद में होगी, कहीं पे ऐसा होता है कि डिलीवरी अभी होगी पेमेंट बाद में होगी, कहीं कितनी बार ऐसा भी होता है आप पेमेंट दे आते हो और उसे कहते हो यार घर पे पहुंचा दियो बाद में, तो ये सारे ऑप्शंस है या नहीं, वो मेथड ऑफ फॉर्मेलिटीज ऑफ सेल पे दे रखा है, मैं एक एक करके रीड भी करा देता हूँ। थर्ड पॉइंट आप पूछ रहे हो, इमीडिएट डिलीवरी, समझ गया भाई, गए ला भाई ला बिस्कुट नमकीन चॉकलेट पेस्ट्री जो भी, इमीडिएट डिलीवरी खाली। नेक्स्ट, इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस, प्राइस तो आपने अभी दे दिया, जैसे जब भी कितनी बार आप घर से निकले आपको कहीं काम जाना था आपने रास्ते में उसे पैसे दिए, इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस, और डिलीवरी किसी फ्यूचर डेट पे देंगे, भाई ये ले तू पैसे ले ले, या तो घर पे पहुंचा दे या 2-3 दिन बाद घर पे माल पहुंचा दियो, तो वो क्या प्राइस तभी दे दिए, डिलीवरी फ्यूचर में मिलेगी। थर्ड, डिलीवरी भी इमीडिएट, पेमेंट भी इमीडिएट, ये तो नॉर्मल ही है, ज़्यादातर तो यही होना चाहिए बेटा, बिजनेस तो ऐसे ही चलना चाहिए जनरली। आप जब किसी अननोन शॉपकीपर के पास जाते हो वो डिलीवरी भी तभी देता है, पेमेंट भी तभी देनी पड़ती है। नेक्स्ट, डिलीवरी और पेमेंट दोनों ही इंस्टॉलमेंट में हो रही है, कि कुछ कुछ समय बाद डिलीवरी होती है, कुछ कुछ समय बाद आप पेमेंट कर देते हो, और डिलीवरी और पेमेंट दोनों ही फ्यूचर डेट पे होगी, ये मैं अभी आपको समझाऊंगा। जब एग्रीमेंट टू सेल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वहाँ पे पेमेंट और डिलीवरी दोनों ही फ्यूचर डेट पे होगी। भैया 1 और 3 में क्या डिफरेंस है? बेटा फर्स्ट में तो हमने खाली क्या कहा, इमीडिएट डिलीवरी का, पेमेंट की तो बात ही नहीं करी ना, यहाँ पे हम ये कह देंगे कि पेमेंट किस पे हो रही है, फ्यूचर डेट पे हो रही है, इमीडिएट डिलीवरी। थर्ड पे तो इमीडिएट डिलीवरी और इमीडिएट पेमेंट लिखे, यहाँ पे समझ लो इमीडिएट डिलीवरी और पेमेंट एट फ्यूचर डेट, तो फ़र्क है या नहीं है? ये अलग अलग मेथड हैं, इसमें शायद कुछ समझाने के लिए खास है नहीं, ये तो नॉर्मल है यार, अलग अलग प्रैक्टिकली सोच लो यार, शॉपकीपर्स के पास जब आप जाते हो तो कैसे कैसे हो सकता है, दोनों चीज़ें इमीडिएट कर लो, दोनों चीज़ें फ्यूचर पे कर लो, एक चीज़ ऐसा करो कि पेमेंट अभी इमीडिएट कर दो डिलीवरी बाद में ले लेंगे, एक चीज़ ऐसा कर दो डिलीवरी अभी दे दो पेमेंट फ्यूचर में दे देंगे, या दोनों ही फ्यूचर में कर लेंगे। सो सिंपल यार, क्या समझाऊँ, छोटी सी बात है ये तो, ठीक है। तो ये है कुछ फॉर्मेलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जिसमें आप एंटर कर सकते हो। उसके बाद सेल वर्सेस एग्रीमेंट ऑफ सेल्स, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, आराम से समझेंगे, ये छोटा सा है ये कर लें। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सब्जेक्ट मैटर क्या है, जब भी आप किसी सेल के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो तो कौन कौन से क्या क्या पॉइंट्स होते हैं उसमें जो मेन सब्जेक्ट मैटर। बेटा मेन पॉइंट हमेशा सेल ऑफ गुड्स एक्ट तभी एप्लीकेबल होगा जब डीलिंग किसी गुड्स में हो, इसीलिए गुड्स का मीनिंग बताया अभी, ऑब्वियस वन नॉट ऑब्वियस वन और क्या चीज़ गुड्स नहीं है, जो चीज़ गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आएगी वो चीज़ इस एक्ट में कवर ही नहीं होगी सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। अगर कोई चीज़ गुड्स इस एक्ट में कवर करानी है तो पहली बात वो गुड्स होना चाहिए, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट भी हो सकता है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट यूनिट 6 में पढ़े थे पिछले चैप्टर में, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो डिपेंड है किसी फ्यूचर इवेंट पे, किसी कोलेट्रल इवेंट पे, कि कोलेट्रल इवेंट होगा तब मैं ये कॉन्ट्रैक्ट करूँगा, जैसे रिवाइज कराऊँगा एग्जाम्पल कि भाई मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि मैं आपको गुड्स की डिलीवरी दूंगा, लेकिन ये किस पे डिपेंडेंट है, अगर मेरा गुड्स पोर्ट पे आएगा, मैंने इंपोर्ट करवा रखा है, अगर मेरा गुड्स मुंबई पोर्ट पे आएगा तो मैं आपको डिलीवरी दूंगा, तो ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। क्या ऐसा हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में? ऑफकोर्स ऐसा हो सकता है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कौन से कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं? सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स, फ्यूचर गुड्स का मीनिंग समझा दिया था बेटा पिछले लेक्चर में, जब आप फ्यूचर गुड्स के रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसे एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं, उसे सेल नहीं कहते। दोनों में क्या डिफरेंस है अभी करते हैं बेटा। मैं ये कहूँगा आप 2-4 मिनट पहले जितना हमने करा उसे रिवाइज कर लो जरूर, 1-2 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है। पहले जितना हुआ उसे एक बार क्या करो, रिवाइज जरूर करो, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट देते हैं। तो बेटा लास्ट कंसेप्ट आज का हम कर रहे हैं सेल वर्सेज एग्रीमेंट टू सेल, क्या फ़र्क है दोनों में, बेसिस ऑफ डिफरेंस अच्छे से समझते हैं सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या है। तो यहाँ पे सेल का मीनिंग क्या होता है, सेल का सिंपल मतलब ये होता है जहाँ पे बायर और सेलर जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो
ऑन ड्यू डेट प्रेजेंट कर दें, जैसे आप किसी शॉपकीपर के पास गए, आपने कहा भाई मुझे गुड्स चाहिए, उसने शॉपकीपर ने गुड्स निकाले आपको दिए, आपने उसके बदले प्राइस दिए, सेल हुई, काम खत्म। तो सेल में तो इमीडिएट काम हो जाता है, उसी समय बायर ओनर बन जाता है, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र है, ओनरशिप ट्रांसफ़र है, उसी समय हो जाती है सेल में। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, जब ट्रांसफ़र, जब कॉन्ट्रैक्ट किसी फ्यूचर डेट के लिए हो, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आज एक तारीख है 21 जुलाई 2020, मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि भाई 1 अक्टूबर 2020 में मैं आपसे क्या करूँगा, कोई भी एक्स गुड्स परचेज करूँगा 1 अक्टूबर को, और उसके बदले में 1 अक्टूबर को ही आपको पेमेंट दूँगा। आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन डिलीवरी और पेमेंट, डिलीवरी भी फ्यूचर डेट में है, पेमेंट भी फ्यूचर डेट में, तो उसे कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल, जब दोनों चीज़ें फ्यूचर डेट में। तो क्या फ़र्क है दोनों में, एक एक बेसिस करके समझ लेते हैं। सेल में जो ओनरशिप है वो किसको ट्रांसफ़र हो जाएगी, बायर को। जैसे आज 21 जुलाई है, आज ही प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी, आज ही बायर क्या बन गया, ओनर। सेल हुई, आप मालिक हो, आप देखो। एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप आज ट्रांसफ़र नहीं होगी, आज ओनरशिप किसके पास ही है, आज के दिन 21 जुलाई को जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, आज के दिन ओनरशिप किसकी है, गुड्स पे, सेलर की। वो तो फ्यूचर डेट पे आपको ट्रांसफ़र होनी है। भैया ओनरशिप से क्या, ओनरशिप क्यों समझा रहे हो कि किस पे ओनरशिप है आज के दिन, क्योंकि बेटा फॉर एग्जांपल 22 जुलाई को वो गुड्स ख़राब हो गया, 22 जुलाई को वो गुड्स ख़राब हो गया, सब्सिक्वेंट लॉस। अगर सेल की ट्रांजैक्शन थी जहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई थी और 22 जुलाई को गुड्स ख़राब होता है, तो वो नुकसान किसका होगा, बायर का। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के बीच, एग्रीमेंट टू सेल में अगर ये गुड्स जो एक्स गुड्स बेचना है, जिसकी हम बातें कर रहे हैं 1 अक्टूबर को बेचेंगे, वो 1 अक्टूबर से पहले अगर ख़राब हुआ, वो सारा का सारा सब्सिक्वेंट लॉस किसका ही रहेगा, सेलर का ही रहेगा, क्योंकि अभी ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई है। ध्यान से समझना, जो लॉस है ना वो ओनरशिप के कंसेप्ट पे चलता है, जो मालिक होगा उसी का लॉस होगा। सेल में जैसे ही आपने गुड सेल करा, ओनरशिप ट्रांसफ़र, आप मालिक, आप ही लॉस बियर करोगे। एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफ़र होगी, तो लॉस भी अभी आपको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लॉस भी अभी सेलर का ही होगा। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने चैप्टर नंबर 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेरे से पढ़ा हुआ है। यहाँ पे नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्जीक्यूटेड, पेमेंट होगी और कॉन्ट्रैक्ट भी परफॉर्म हो गया, दोनों बातें ख़त्म 21 जुलाई को। और यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, एग्जीक्यूटेड, कि भाई फ्यूचर में परफॉर्म करना है, अभी किया नहीं है, फ्यूचर में मैं आपको सर्विस दूंगा, तो उसे एग्रीमेंट टू सेल, भाई फ्यूचर में गुड्स की डिलीवरी होगी। तो यहाँ पे नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या, एग्जीक्यूटेड और यहाँ पे एग्जीक्यूटेड। एक और बात ध्यान से सुनना, सेलर ब्रीच मतलब गुड्स बिक चुका है और उसके बाद सेलर कह रहा है कि बेचने के बाद, पेमेंट लेने के बाद, भाई मैं नहीं दे रहा गुड्स, मैं नहीं दे रहा जी डिलीवरी, बताओ हाँ क्या कर लोगे तुम। अगर सेल वाले कॉन्ट्रैक्ट में सेलर ब्रीच करता है, सेलर अपनी बात से मना करता है, तो उस केस में बायर के राइट क्या है, बायर को उस केस में गुड्स भी मिलेगा, क्योंकि सेल हो चुकी थी, वो ओनर बन चुका था। अगर आप नहीं दे रहे हो तो गुड्स भी दो, और अगर उससे कोई नुकसान हो रहे हैं तो डैमेजेस भी दो। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में अभी आप ओनर ही नहीं बने थे, आपने 1 अक्टूबर से पहले ही कह दिया कि भाई मैं गुड्स दे ही नहीं पाऊंगा, तो ऐसे केस में गुड्स की डिलीवरी देना तो कंपलसरी नहीं होगा, लेकिन अगर सामने वाली पार्टी को नुकसान हुआ है तो उसे क्या देने पड़ेंगे, डैमेजेस देने पड़ेंगे एग्रीमेंट टू सेल में। और अगर बायर ब्रीच करे, सेलर की जगह कौन ब्रीच करे, बायर, तो क्या होगा, अगर बायर ब्रीच करते सेल के केस में कि गुड्स बिक चुका है, बायर कह रहा है मैं नहीं दे रहा जी प्राइस, गुड्स मिल गए मुझे, तो बायर अगर मना करता है तो उस केस में सेलर का क्या राइट है कि वो क्या क्लेम करेगा, प्राइस, कि ला भाई पैसे तो तुझे देने ही पड़ेंगे। और फॉर एग्जांपल एग्रीमेंट टू सेल के केस में बायर ब्रीच करता है, तो सेलर खाली क्या मांग सकता है, डैमेजेस, प्राइस नहीं मांग सकता, क्योंकि गुड्स की डिलीवरी नहीं दी थी अभी। अगर लेकिन सेलर को कोई नुकसान हुआ तो आपको क्या देने पड़ेंगे, डैमेजेस। एग्जांपल से याद रखना कि सेल में गुड्स बिक चुका है, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो चुके हैं, एग्रीमेंट टू सेल में जब अभी गुड्स बिका ही नहीं, ओनरशिप ट्रांसफ़र ही नहीं हुई, तो उस केस में ज़्यादा से ज़्यादा डैमेजेस मिलेंगे। बायर या सेलर गुड्स के लिए आपको कंपाइल नहीं कर सकता, ना प्राइसेस के लिए, लेकिन सेल के केस में आप प्राइसेस और गुड्स के लिए क्या कर सकते हो, सामने वाले को
फोर्स कर सकते हो। तो ये डिफरेंस है सेल और एग्रीमेंट टू सेल, इसे बेटा आज रिवाइज कर लेना। कोई डाउट हो हम नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। थैंक यू सो मच।